क्या हुआ फहाद, तुम अभी तक पहुंचे नहीं? I'm sorry, आयजा, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ गया है, देर हो जाएगी। तुम्हारे कहने पर तो ये प्लान किया था। I know, but this is also important. ये तो है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्लान कर लेंगे। Sure, okay. जी तो क्या हो रहा है? कब से तुम सब लोगों से मिलना चाह रही थी? जिंदगी की लड़ाई से लड़ते लड़ते थक गई थी, तंग आ गई थी। अच्छा कि आयजा ने जो हम सबको जमा कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं। लेकिन एक फ्रेंड कम है हमारा। नहीं, मेरे तो सारे फ्रेंड्स यहाँ मौजूद हैं। जो मौजूद नहीं है वो तुम्हारा फ्रेंड है। अच्छा, अब अपना मूड खराब नहीं करो रानिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अगर आयजा इनवाइट नहीं करती तो मैं तुम सब लोगों को बुलाने ही वाली थी घर पर। क्यों खैरियत, किस खुशी में? अरे आयजा ने बताया नहीं तुम लोगों को? आयजा के हस्बैंड ने मल्टा एक नेशनल कंपनी में मुझे जॉब दिलवा दी है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। वाओ, तुम ज्वाइनिंग कब से दे रही हो? फर्स्ट से। वेरी गुड। कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी कितनी छोटी सी है। अभी कल ही की बात है ना कि हम यूनिवर्सिटी में सारे इकट्ठे थे, है ना? जिंदगी वाकई बहुत मुख्तसर है, कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है। जिंदगी मुख्तसर नहीं है, खुशियों की उम्र बहुत थोड़ी है। देखो ना, रानिया की शादी पे हम सब कितने खुश थे, कितना एंजॉय किया था हम लोगों ने। फिर दुख, तकलीफें, आजमाइशें, परेशानियां, एक के बाद एक। तुम ठीक कह रहे हो आरिस, मगर ये तो किस्मत है ना, फिर क्या किया जा सकता है। जोया, कुछ बातें वाकई किस्मत में होती हैं, लेकिन कुछ बातें हम अपनी किस्मत में खुद लिखते हैं। रोशनी डालिएगा सर। जैसा कि रानिया की डिवोर्स, वो इसकी किस्मत में थी, लेकिन ये जो अब अपने साथ गलत कर रही है ना, वो फहद से शादी से इनकार। रानिया, देखो रानिया, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश भी करो। जिसका दिल टूटा उसमें से प्यार खत्म हो जाता है। देखो रानिया, मैं तुमसे लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, और ना ही तुम ये समझना कि मैं फहद की फेवर कर रहा हूं। तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह भी तो अपने बंदों को माफ कर देता है ना, तुम भी फहद को माफ कर दो। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो ठोकर उसने भी खाई है, तकलीफें तुमने झेली हैं तो सफर उसने भी किया है। देखो अब तुम दोनों फिर उसी पॉइंट पे आ गए। पहले तुम उससे प्यार करती थी ना, अब वो तुमसे प्यार करता है। रानिया, नफरत खत्म हो जाती है लेकिन मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। उठाऊं कैसे दिल का बोझ, रब्बा दिल का सोग, कब तक रहेगी तन्हाई तन्हाई। इस रानिया की बच्ची की अहमियत तो कभी खत्म ही नहीं होती। माँ की लाडली है, भाई भी पागल है, दोस्त भी इसके दीवाने हैं, औलाद भी दे दी अल्लाह ने उसे, वो भी बेटा, आशिक भी तैयार है, तलाक और बच्चे के बाद भी। इतना खूबसूरत लड़का मिल रहा है उसे, फिर भी कमबख्त के नखरे नहीं खत्म होते। शुरू से ही बड़ी किस्मत वाली रही है, मगर नहीं, अब नहीं, अब मैं इसे कोई भी खुशी हासिल करने नहीं दूंगी।
क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? बता ना, जब से आया खामोश बैठा है। शहजादी से लड़ाई हुई है क्या? नहीं अम्मा, मुझे अरहम बहुत याद आ रहा है। जब वो मेरे पास था तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था, मगर अब तो तू जा मिला, देखा उसे। मैं उससे सिर्फ मिलना नहीं चाहता हूँ अम्मा। तो फिर मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसे बातें करना चाहता हूँ, उसे खेलना चाहता हूँ, उसे अपने सीने में सुलाना चाहता हूँ। बिल्कुल जैसे सारे बाप करते हैं अम्मा। ये बताओ मैं क्या करूं? अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता हूं। ये शहजादी बच्चा क्यों नहीं करती? नहीं पता मुझे। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं आपको मशवरा दे रही हूँ। पहले बच्चे को रोकने की सूरत में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। बस वो ना, हम कुछ अरसा झंझट में पढ़ना नहीं चाह रहे थे। झंझट? हालात को आप झंझट कह रही हैं? अच्छा, तो अब आपने इस झंझट में पढ़ने का फैसला कर लिया? ओके, अच्छी बात है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप करवा के लें। ठीक है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं ना, बहुत चालाक। और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के? क्या मतलब है तुम्हारा? बस यही कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां चालाक हो सकती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के चालाक नहीं होते। ओह, बुरा मत मानिएगा आंटी, मेरा कहने का मतलब था कि यूनिवर्सिटी में तो हजारों लड़कियां पढ़ती हैं, सब एक जैसी नहीं होती। नहीं अच्छी होती तो उसे तलाक क्यों होती? हो सकता है उसकी सास, देवरानी, जेठानी अच्छी ना हो, या किसी ने उनके दरमियान साजिश करके फूट डलवाई हो, कुछ भी हो सकता है। पहले भी मेरे फहद के पीछे पड़ी हुई थी वो, फिर शादी कर ली, तलाक हो गई तो फिर आके फहद के पीछे पड़ गई। वो कभी यहाँ आई थी आंटी? नहीं। फोन वोन तो करती होगी खूब? कभी भी नहीं। आपको क्या पता, जब फहद अपने कमरे में होता होगा तब करती होगी। नहीं नहीं, मैं अक्सर रात को फहद के कमरे में जाती थी। फहद या तो काम कर रहा होता है या पढ़ रहा होता है। अक्सर उसके पास बैठ भी जाती थी, मगर कभी किसी लड़की का फोन नहीं आया। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं आंटी कि वो लड़की फहद के पीछे पड़ी हुई है? देखो आफ्ताब, अपनी खुशी से कोई तलाक नहीं देता, ये तो एक मजबूरी बन जाती है जिसकी वजह से कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए लोग बेटियों की पैदाइश पर खौफजदा हो जाते हैं। परवरदिगार मेरी मैरू को अपने घर में हंसता रख, हंसता रखे। वैसे आफ्ताब एक बात बताऊं, अगर मेरा बेटा होता ना और वो किसी बेवा या मुतलका से शादी करना चाहता तो मैं कभी उसके रास्ते में रुकावट ना बनता। अरे भाई, हमारी औकात ही क्या है जब हमारे नबी ने पहली शादी बेवा से की। आंटी, जब फहद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब वो इमेच्योर था, हो सकता था कि वो किसी लड़की की बातों में आ जाता, मगर अब फहद एक समझदार शख्स है, इतने बड़े ओहदे का मालिक है। अगर अब भी वो उस लड़की की चाह रखता है तो इसका मतलब वो उससे मोहब्बत करता है। अगर तुम्हारी कोई बेटी होती और खुदा न खास्ता उसका घर उजड़ जाता तो क्या तुम सारी जिंदगी उसे अपनी दहलीज पे बिठाए रखते, उसका घर ना बसाते? आंटी,
आप खुद कहती हैं कि फहद ने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत फरमाबरदार है। तो फिर आंटी, अब अगर वो आपसे एक जिद कर रहा है जो कि उसके दिल का मामला है, तो क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगी? उसकी फरमाबरदारी का उसे कुछ तो सिला मिलना चाहिए ना। पहले तुम मुझसे प्यार करती थी ना, अब वो तुमसे प्यार करे। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर। Will you marry? इस बार तुम मुझसे आगे निकल। कभी कभार इंसान हार कर भी जीत जाता। वो तो मैंने मजाक किया था, एक आग जल रही थी मेरे अंदर, उसे टॉप करके नीचा दिखाना था, दिखा दी। अब मेरी शादी का फैसला आपके हाथ में, और आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मुझे कबूल होगा। आज मैं हल्फ उठाकर पूरी सच्चाई के साथ तुम्हें प्रपोज करता हूं, मुझसे शादी कर दो। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। बेटी आज कोई मीटिंग तो नहीं तुम्हारी, जल्दी आ जाओगे? फिर जाऊंगा तो पता चलेगा, वैसे मीटिंग है पर लंच टाइम। अच्छा, मतलब कि जल्दी आ जाओगे? आई होप सो। क्यों, खैरियत? वो एक्चुअली हमें रानिया का घर नहीं मालूम, तुम ही ले जाओगे ना हमें वहां? रानिया का घर? हमने उसके घर वालों से बात करनी है। अम्मी? हाँ बेटा, मुझे अपनी होने वाली बहू से मिला, बल्कि आज ही मिला। थैंक यू अब्बू, थैंक यू मम्मी, आप लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। हेलो, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। इसीलिए कहते हैं शायद दिल को दिल से राह होती है। शायद एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। कहो। नहीं, पहले तुम बताओ क्यों फोन करने वाली थी।
हाँ वो मैंने तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। किस बात का? तुम अरम को हॉस्पिटल लेकर गए, इतना कुछ किया मेरे लिए। वो तो मेरा फर्ज था। खैर फर्ज तो नहीं था, लेकिन तुमने ये काम फर्ज समझ के अदा किया। इससे क्या समझ में आता तुम्हारा? यही कि तुम बहुत अच्छे हो। बस अच्छा तो क्या कहूं, तुम फरिश्ते हो। नहीं, मुझे इंसान ही रहना, फरिश्ता बनने की कोई आरजू नहीं है। एक जरूरी काम से फोन किया था। हाँ बोलो। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। रानिया प्लीज अब इनकार मत करना, मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। नहीं करूंगी इनकार। रियली रियली रानिया, तुम सच कह रही हो? हाँ। थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू रानिया, थैंक यू वेरी मच। फिर शाम को मिलते हैं, टेक केयर। क्या बात है, आज तो रजामंदियां ही होती जा रही है। थैंक यू रानिया। रानिया, अम्मी, अम्मी वो क्या हुआ बोलो। वो फहद, अल्लाह खैर, क्या हुआ फहद को? अम्मी बिल्कुल ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसे। तो फिर बोलो रानिया। वो शाम में उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। लाख 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 शुक्र है रानिया, अल्लाह ने मेरी सुन ली। क्या मतलब? मैंने अपने रब से दुआ मांगी थी कि मेरी रानिया को उसकी खुशियां लौटा दे, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अच्छा मैं ये कहने आई थी कि मैंने नाश्ता बना दिया, आखिर कर लो। जी मैं आती हूँ। फहद ने भी साथ आना था लेकिन उसकी अचानक मीटिंग निकल आई तो उसने ड्राइवर को एड्रेस समझा के हमें भेज दिया है। वैसे तो फहद ने हमें सभी कुछ बता दिया है, मगर आप कुछ बताएं ना रानिया बेटी के बारे में, तलाक क्यों हुई? बस बहन क्या बताएं, बहुत ही झूठे और धोखेबाज लोग थे। क्या झूठ बोले थे उन्होंने? हमसे कहा था कि लड़के ने बिजनेस में डिग्री ली हुई है, अपना कारोबार करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मैट्रिक पास ही था, कोई काम भी नहीं करता था। मेरी बच्ची बिचारी को एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था, और फिर ऊपर से उनका सलूक भी अच्छा नहीं था इसके साथ। उन्होंने सारे मेरी बेटी के इनाम, कप वगैरह कबाड़िये को बेच दिए कौड़ियों के मोल। वो अपने ताए की लड़की से शादी करना चाहता था,
शादी के बाद भी उसे नहीं भूला। फिर इसको तलाक देकर घर से निकाल लिया और बच्चा छीन लिया इसे। बहुत ही बुरे लोग, अल्लाह पूछेगा उनसे इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसा सलूक। अब फाद ने तो हमारी बहुत मदद की है, हम लोग तो ये कोर्ट कचहरी का चक्कर जानते ही नहीं है कुछ। चले अब तो सारे मसाइल हल हो गए ना। जी जी, ये तो खुदा का शुक्र है, फाद का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये नवासा है आपका? जी। आप तो जानती होंगी किस मकसद से हम आपके घर आए हैं। जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। जब जवान हो जाए और किसी बात की जिद मान ले तो बेहतरी इसी में होती है कि उसकी जिद मान ली जाए। जी आप सही कह रही हैं। मैं आती हूँ। जी आंटी, आप क्या कह रही थी? हाँ मैं ये कह रही थी कि तुम तो जानती हो ना मेरा बेटा बैंक में कितने बड़े ओहदे पर फाइज है। जी जी बिल्कुल। मेरे बेटे को रिश्तों की कमी तो है नहीं। सही कह रही हूँ। बस जवान औलाद है, उसने जिद की के रानिया से शादी कर ली। अब औलाद से जीता तो नहीं जा सकता ना बेटा। जी सही कह रही हूँ। तो हम उसकी जिद पर रानिया का हाथ तो मांगने आ गए हैं, मगर हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखो गलत मत समझो, ये हमारी भी मजबूरी है। फहद का एक नाम है, एक मकाम है, और उसको कभी भी किसी भी ऊंचे से ऊंचे घर की खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता मिल सकता है। जी हमें अंदाजा है। इस बच्चे से फहद की जिंदगी पर मनफी असर पड़ेगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चे को आप लोग अपने पास रख लें और हमें सिर्फ रानिया दें। मतलब अपने पास रख लें? अगर अगर मगर की अब कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप लोगों को हमारी शर्त मंजूर है तो हम रानिया को अपनी बहू बनाएंगे, वरना पागली। मैं जी। हाँ जी, आप रात का खाना बन गया? खाना तैयार कर दिया मैंने। ठीक है जाए। क्या हो गया तुम्हें? लंबे लंबे सांस तो ऐसे ले रहे हो जैसे जिंदगी रुक गई हो तुम्हारी। क्या सोचते रहते हो? कुछ भी नहीं। उसी के बारे में सोच रहे होगे ना, अपनी रानिया की याद सता रही है? नहीं, मैं उसके और तुम्हारे बारे में कम कम ही सोचता हूँ। मेरा मुकाबला कर रहे हो उसके साथ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक। तो फिर सोच क्या रहे हो? यार मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, इस पर भी पाबंदी है क्या? उसका मुकाबला करने के लिए अभी तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हुआ। तंज करना ना कुछ तुमसे सीखे। फहद की अम्मी की शर्त के बारे में अगर सबको बता दिया तो ये रिश्ता तय होने से पहले ही टूट जाएगा।
रानिया अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगी। फिलहाल मुझे सबसे ये राज छुपाना होगा। किसी अच्छे मौके पे राज पाश करूंगी ताकि ज्यादा मजा आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अच्छा आ गए आप तो। ना आता क्या? आखिर बिल्ली थैले से बाहर आई गई। क्या मतलब? मतलब ये कि फाहद का इस घर में दिन रात चक्कर लगाना, रानिया के लिए परेशान होना, तोहफे लाना, वकीलों के पीछे भागना, ये सब क्यों हो रहा था ये समझ में आ गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जितनी जल्दी रानिया अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा। अम्मी बहुत परेशान रहने लगी हैं उसके लिए। नहीं परेशान रहने लगी, नहीं तो ये क्या बात किया। किरण बेगम, जब बेटी घर की दहलीज पर वापस आ जाए तो वालिदैन का सुकून बर्बाद हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है उनकी। बहरहाल अल्लाह ने उसे उसके सबर का फल दिया है। अयाज ने जितनी तकलीफें उसे दी थी। अयाज का यहां जिक्र क्यों? ठीक कह रही हो तुम, अयाज तो फहद की धूल भी नहीं है। अयाज और फहद का क्या मुकाबला? तो फहद की बड़ी गाड़ी से मुतासिर हो ही गया। तुम नहीं हुई क्या? आपका तो लहजा ही बदल गया है। हाँ वैसे एक बच्चे की माँ और वो भी मुतलका हो और ऐसी जगह रिश्ता हो जाए तो बनता है, इतराना तो बनता है। रानिया और अयाज का जोड़ नहीं बनता था, तुमने उनकी शादी करवाई थी। इस तरह तो फहद और रानिया का भी कोई जोड़ नहीं बनता। गलत फहमी है तुम्हें, रानिया जैसी लड़की का जोड़ फहद से ही बनता है। मैंने कहा ना कि आप लोगों के तो अंदाज बदल ही चुके। उधर अम्मी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही, इधर आप और रानिया उसके तो नखरे ही अलग है। तुम खुश होने की बजाय ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे इस रवैये की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। सही कहा है किसी ने भाई, खुदा के घर में देर है अंधेर है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सवेरा आता है। मगर अम्मी क्या जरूरी है कि अंधेरी रात भी आए? दुनिया है बेटा, जिंदगी है, हमेशा दिन एक से नहीं रहते। धूप छांव ऊंच नीच ना हो तो यकसानियत से इंसान का दम घुट जाए। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है रानी, तब्दीली बहुत जरूरी है, तब्दीली आना चाहिए। अब देखो ना, मैं तुम्हारी भाभी की एक ही शक्ल देख देख के बोर हो गया, जब देखो रोनी शक्ल बनाए रखती। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? अच्छा अम्मी ये बताएं कि आप करना क्या है? मेरा भी यही ख्याल है, फाद की अम्मी भी कह रही थी कि उनको जल्दी है। तो फिर देर किस बात की आप लोग? तैयारियां करें जल्दी से। हाँ मुझे डॉक्टर के पास भी जाओ। हाँ चलते हैं आज डॉक्टर की तरफ, कोई मसला नहीं है। आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के मुझे दें, उन चीजों का इंतजाम किया जाए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन एक उलझन सी है। कैसी उलझन? पता नहीं, बेनाम सी उलझन है। अगर यही सब कुछ होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? कि जो इतना सब कुछ हुआ, क्या ये सब कुछ होना जरूरी था? सही कह रही, शायद इसी को किस्मत कहते हैं। सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा होता है, कब खुशी मिलनी है, कब रोना है, कब किसी से मिलना है, कब बिछड़ना है, सब तय है, हम तो बस फॉलो करते हैं। शायद तुम ठीक हो। तुम खुश हो ना फहद?
एक बात पूछूं? दो पूछो, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम अरहम को? अरहम को? एक्सेप्ट कर लोगे? कर लोगे? क्या मतलब कर लोगे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं और अरहम। रानिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो उसकी हर चीज से प्यार होता है। अरहम तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा हिस्सा है, मैं अरहम से प्यार क्यों नहीं करूँ? मैं अरहम से प्यार करता हूँ क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारे 10 बच्चे होते ना तो भी मुझे कबूल होते। फहद, मोहब्बत करना और बात है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना और। मैं उसे अपनी औलाद की तरह पालूंगा, उसकी हर वो जिम्मेदारी उठाऊंगा जो एक बाप उठाता है। एनी मोर क्वेश्चंस? गुड। अच्छा ये बताओ, शादी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं तुम्हारे घर में? देखो बस बहुत दूर की डेट मत रख लेना, मुझसे और इंतजार नहीं रखा। अगले 2-3 महीनों के बाद। 2-3 महीने? पागल हो गई हो क्या? तैयारियां करने में इतना टाइम तो लगता ही है ना। तैयारी? कैसी तैयारी? शादी की? एक्सक्यूज मी, कोई तैयारी व्यारी की जरूरत नहीं, शराफत से निकाह कीजिए और मेरे घर आ जाओ। ओके? पागल हो गई हो क्या फहद? हाँ, मुझे भी लगने लगा है, कुछ कुछ हो गया। देखो फहद, फोन पर नहीं देख सकता ना, कल शाम को आ जाओ फिर देख लूंगा तुम्हें। बी सीरियस फहद। ओके, नाउ आई एम सीरियस, पर आप जो सोचे बैठी हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। निकाह बहुत सादगी से होगा। हाँ, वलीमे का एक ग्रैंड फंक्शन करूंगा मैं, उसमें अपने सारे अरमान पूरे कर लेना तो, ठीक है? लेकिन कुछ नहीं कहा। दैट्स फाइन, आंटी और आदिल भाई से कह दो परेशान होने की जरूरत नहीं। निकाह के और फंक्शन के सारे अरेंजमेंट्स मैं करूंगा। समझी? मिसेस फहद टू बी। फहद? रानिया। अच्छा किया तुमने चक्कर लगा लिया। बस यहाँ से गुजर रहा था आंटी, सोचा आपकी तबीयत का पूछता जाऊँ। बैठिए। थैंक यू। रानिया बता रही थी कि तुमने मना कर दिया कुछ भी करने से। जी आंटी, रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मगर बेटा। अगर मगर नहीं है, किसी किस्म का कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब मैं देख लूँ। हाँ, वलीमा जो है वो एहतमाम से करूँगा, लेकिन वो भी मैं देख लूँगा, ठीक है? वैसे भी यही सुन्नत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फहद, दूसरी शादी इतना धूमधाम से करना अच्छा भी नहीं लगेगा, खासतौर पे तब जब दुल्हन की गोद में एक बच्चा। भाभी, मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है, मुझे बस आप लोगों पर बोझ डालना पसंद नहीं है, और सबसे बढ़कर यह कि रानिया और अरहम की सूरत में आप लोग मुझे इतना बड़ा तोहफा दे रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है फहद अपनी माँ की शर्त से लाइन है। अब तो गेम में और मजा आएगा। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे, खुशियों भरी लंबी जिंदगी दे, हर बुरी घड़ी से बचाए। आमीन। बस जहेज में यही दुआएं दे दीजिएगा मुझे। आंटी, एक मसला है। हाँ, बोलो बेटा। रानिया के लिए कुछ ड्रेसेस लेने हैं, अम्मी कह रही थी कि मैं उसकी पसंद के दिलवा दूँ, तो अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। थैंक यू आंटी। जाओ किरण, रानिया को बुला। मैं बुलाती। मैं बेटा तुम्हारे लिए चाय बना ला। नहीं आंटी, प्लीज बैठे, आप चाय छोड़ें, बात करें मुझसे। आंटी
हैरान हूँ आप यूं ही हकीकत बनते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि टूटने के बाद जुड़ भी जाते। भाई अगर ये ख्वाब है तो फिर मेरी ख्वाहिश है कि कभी ना जाते, और अगर सच है तो कभी ना मरो। कुछ रह तो नहीं गया, सब हो गया? नहीं नहीं सब हो गया। फहद, आंटी और अंकल आसानी से मान गए थे या मुश्किल हुई थी? मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो। मतलब मुश्किल से माने? क्या फर्क पड़ता है कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया, किस तरह वो माने। तुम मेरी हो गई, मुझे इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। माजी में जो दुख मैंने तुम्हें दिए हैं और जिन तकलीफों से मैं गुजरा हूँ, मैं उन सबका अजाला करना चाहता हूँ। वादा है मेरा।